हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई हो बहुत अच्छे हो। वेलकम बैक टू अ वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। आज हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। नई शुरुआत है तो आपके अंदर नया जोश रहना चाहिए, नई उमंग रहनी चाहिए। नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 11 और इवन क्लास 11 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का चैप्टर है। इसको हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहीं से आपके सीईटी का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, यानी कि आप लोगों को स्टेट बोर्ड और सीईटी दोनों का जो ब्रीफ नॉलेज है, जो थेरेटिकल नॉलेज है, वो सारे क्लियर हो जाएगा। इवन हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, एमएसटी सीईटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और हमारे सीईटी के लिए भी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। तो ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड से रिलेटेड भी आपके पास इसका नॉलेज भी अच्छा रहना चाहिए, सीईटी से रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अब हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सब लोगों को मेरे साथ ही नोट्स भी बनाने लगना है। नोटबुक पेन जो भी आप निकाल के रख लो, नोट्स बनाओ, साथ में प्रिपेयर भी करो, और इस लेक्चर के बाद जब आप लेक्चर सुन लोगे तो खुद से प्रैक्टिस भी करना है, रिवीजन भी करना है। मैंने हर बार बोला है प्रैक्टिस इज दी ओनली की, जितने बार आप प्रैक्टिस करोगे उतने मास्टर आप उस चीज़ में बनते जाओगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस बिगिन। नाउ ये जो चैप्टर है आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर। आज हम लोग बेसिक इसका इंट्रोडक्शन रखेंगे, ज़्यादा कुछ हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। ओके, तो जब भी आप किसी इलेक्ट्रिक करंट सिस्टम से डील करते हो, इलेक्ट्रिक करंट सिस्टम से डील करते हो, तो आपको याद रखने का है यहाँ पे पूरा खेल जो भी होने वाला है वो चार्जेस का होने वाला है, और वो चार्जेस जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स है वो है इलेक्ट्रॉन। पूरा खेल इलेक्ट्रॉन का है। इलेक्ट्रिक करंट में हीरो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये जो खेल है ये नहीं चल पाएगा। यानी कि इसमें जो मेन प्लेयर है वो प्लेयर कौन है, कैप्टन कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर आप लोगों को इलेक्ट्रॉन के बारे में समझना है। तो हम इंट्रोडक्शन में आज इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को, इलेक्ट्रॉन किस तरीके से कंडक्टर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है, यही सारे चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और एक टॉपिक को थोड़ा सा नाम जो भी है, नाम से तो आप समझ गए हो क्या है, फिर भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर, एक कंडक्टर है। कंडक्टर के बारे में आप लोगों ने लोअर क्लास में तो सीखा है, कंडक्टर उस मटेरियल को बोला जाता है जो अपने अंदर से करंट को फ्लो होना अलाउ करता है, राइट। तो हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से करंट एक कंडक्टर में फ्लो होता है, क्या बिहेवियर होता है कंडक्टर का, वो चीज़ हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। ओके, नाउ तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक से। एक कंडक्टर ले लेते, जैसे आपके पास एक वायर है, मान लो ये आपके पास एक वायर है। ओके, अब आप लोगों को पता है कि ये जो वायर होते हैं बहुत सारे आइटम से बना होगा, बराबर ना। एवरी मैटर इन आवर वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल दैट इज कॉल्ड एज एटम, बराबर, ठीक है, एटम से बना हुआ है। अच्छा, अब एटम का भी हम लोग स्ट्रक्चर जानते हैं, लोअर क्लास में पढ़े भाई। एटम जो होता है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है और उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये सारे हम लोगों को बात पता है, लेकिन हम लोग को डील करना है इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, चलो अब देखो जरा ध्यान से, ये एटम्स को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, जब मैं ये एटम को बाहर निकालता हूँ और इसकी स्टडी करता हूँ, ठीक है, जैसे ये एटम को हमने बाहर निकाला, क्लियर, इसकी स्टडी करते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके, जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। याद रखना, मैं कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, ये कंडक्टर है। क्या है ये? कंडक्टर। तो कंडक्टर के अंदर बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। वो न्यूक्लियस से बाउंड नहीं होते, न्यूक्लियस उसको पकड़ के नहीं रखता है। वहीं अगर मैं इंसुलेटर की बात करता तो इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन जो होते फ्री नहीं होते, वैलेंस होते, अपने ऑर्बिट में बैठे होते, बट ऐसा कंडक्टर के केस में नहीं होता। कंडक्टर में जितने भी एटम्स होते हैं वो सारे एटम्स न्यूक्लियस को प्यारे नहीं होते, और इसलिए न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को पकड़ के नहीं रखता, इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं, जाओ लावारिस बनो तुम लोग, ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन का नाम देते हैं। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिखूंगा कि कंडक्टर कौन, बस का कंडक्टर नहीं, कंडक्टर कंटेन लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। शाबाश, समझ में आ गया थोड़ा बहुत। ठीक है, अगर ये इंसुलेटर होता तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में बैठा होता है, न्यूक्लियस उसको पकड़ के रखते फोर्स से,
न्यूक्लियर फोर्स है, और इसलिए वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का ही रोल होता है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने का। कैसे, देखो अभी ध्यान से, यहां पे अब मैं वो कंडक्टर को बना लेता हूं वापस से, ये वाला कंडक्टर, ये मैंने कंडक्टर को बना लिया। ठीक है, ओके। अब इसके अंदर आप लोगों को पता है बहुत सारे एटम्स होंगे, और एटम्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट, अगर मैं एटम को ऐसे टच करूं तो मेरा कॉन्टेक्ट सबसे पहले किससे होगा, इलेक्ट्रॉन से होगा, क्योंकि वही तो आउटर मोस्ट चीज है ना। और इलेक्ट्रॉन हमें पता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर फ्री होते, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्री पड़े हैं, कोई इनको काम धंधा नहीं, कोई लेना देना, ऐसे फ्री पड़े लावारिस जैसे रैंडम डायरेक्शन में ये मूव करे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वेरी गुड। अब ये कंडक्टर जहां रखा गया है वहां पे कुछ तो टेम्परेचर होगा, मान लो रूम में रखा है, फिजिक्स लैब में रखा है, लैबोरेटरी में रखा है, वहां पे कुछ तो टेम्परेचर होगा। तो वो टेम्परेचर चलो मान लो घर में रखा है, घर का रूम नॉर्मल रूम टेम्परेचर क्या होता है, 28 डिग्री सेल्सियस, 28 डिग्री, तो 28 डिग्री सेल्सियस कुछ तो हीट होता है ना। अगर मैं 0 डिग्री और 28 डिग्री को कंपेयर करूँ तो 28 तो इसके मुकाबले काफ़ी हीट है। तो इस हीट के वजह से, ये हीट को क्या बोला जाता है टेक्निकल टर्म में, हीट को थर्मल एनर्जी बोला जाता है। तो थर्मल एनर्जी इनके पास होता है, इलेक्ट्रॉन के पास, वो हीट होता है, और इसलिए ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये रैंडम डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। क्या करते हैं, रैंडम डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, किधर भी, कोई पता नहीं इन लोगों को, कोई ठिकाना नहीं, किधर भी मूव करते रहते हैं ये इलेक्ट्रॉन मूव करें, किधर भी मूव करेंगे, इन लोगों का कोई ठिकाना नहीं, कोई घर द्वार नहीं, कुछ नहीं, सब ऐसे रैंडमली मूव करते रहते। अब मान लो कि अगर इधर 20 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इस डायरेक्शन में भी 20 इलेक्ट्रॉन मिल ही जाएंगे जाने वाले, और इस वजह से अगर मान लो इस डायरेक्शन में 20 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और उनका इफेक्ट कुछ है 20, इस डायरेक्शन में 20 इलेक्ट्रॉन है तो उनका भी इफेक्ट 20 होगा, तो दोनों का टोटल अगर मैं इफेक्ट करूंगा तो ये ऊपर जा रहा है और इधर के कुछ इलेक्ट्रॉन 20 नीचे है, तो इसको माइनस दे दूंगा और कितना आंसर आ जाएगा, 0। मतलब वो 20 इलेक्ट्रॉन जो ऊपर है और जो नीचे है वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दे रहे, और वो इलेक्ट्रॉन कोई इफेक्ट नहीं दिखा पा रहा अपना, जो भी इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोर्स, कुछ भी होगा, वो नहीं दिखा पाएंगे। यानी कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में होते हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर लेते हैं, और इसलिए आपको ये कंडक्टर में कोई भी इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपने क्या किया, इसको पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। देखो जरा ध्यान से देखोगे, अब इसको मैंने क्या किया, पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, ये पावर सप्लाई, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव, पॉजिटिव। अब क्या होगा, अब ये जो पावर सप्लाई मैंने कनेक्ट किया है इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, सेल से दिया जाता है। अब ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, नाम देखो फोर्स, अब ये क्या करने लगेगा, फोर्स देने लगेगा, और फोर्स देने से जितने इलेक्ट्रॉन है उसको पुश करने लगेगा। अब इलेक्ट्रॉन जो ये रैंडम डायरेक्शन में जा रहे थे, अब इनको सजा मिल रही है ना, पनिशमेंट, दंड मिल रहा है, ये फोर्स है, फोर्स इनके ऊपर फोर्स लगा रहा है, और ये सारे के सारे अब सुधर जाएंगे। पहले कोई डिसिप्लिन नहीं था इनके पास, कहीं पे भी घूम रहे थे, कोई माई बाप नहीं। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही मैंने फोर्स अप्लाई किया अब ये डिसिप्लिन में आ जाएंगे, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, मैं अभी कैसे बताऊँ, मान लो मैं ऐसे कुछ तो बता देता हूँ जितना पॉसिबल होगा, जितना पॉसिबल मैं निकाल देता हूँ, सभी निकल गया बेसिकली, सॉरी ये कंडक्टर नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, अब देखो सारे के सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सब सुधर जाएंगे, और सारे इलेक्ट्रॉन एक लाइन में आके आगे की तरफ बढ़ने लगेंगे। शाबाश, वाह, एक भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है जो किधर भी जाएगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो एक लाइन में चलना स्टार्ट कर देंगे, और जैसे ही एक लाइन में इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट करेंगे, अब देखो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं कर पाएंगे, सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन भी तो चाहिए,
सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अब इलेक्ट्रॉन चलने लगे ये इस तरीके से, तो आप बोलोगे इसके अंदर चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, और जब चार्जेस फ्लो होते उसी का नाम रखा जाता है इलेक्ट्रिक करंट। क्या रखा जाता है? इलेक्ट्रिक करंट। तो अब मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिखूंगा इलेक्ट्रिक करंट का, कि मुझे इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या समझ में आया। दूसरे क्या बोलते हैं, नहीं लेना देना है, मुझे बात समझ में आ गया क्या। जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तभी इलेक्ट्रिक करंट मिलता है, अब इस वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट है क्या? इलेक्ट्रॉन के चलने को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो यहां पे मैं बोलूंगा मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या मोशन बोल दो, इलेक्ट्रॉन या बोलो या चार्ज बोलो, नेगेटिव चार्ज होता है ना, इन ए कहां पे कंडक्टर, इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड एज, क्या रखा हमने प्यार से नाम उसका, इलेक्ट्रिक करंट। क्या रखा उसका नाम हम लोग ने, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये क्या है कंडीशन, व्हेन ईएमएफ इज अप्लाइड, ईएमएफ इज अप्लाइड, जब आपने इसके अंदर ईएमएफ लगाया, सेल लगाया, तो ये कंडीशन आपको मिला। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है, ये हमारे कंडीशंस है। यह आपका ईएमएफ, क्लियर, ओके। अब आपको तो पता चल गया ये क्या है, व्हेन ईएमएफ इज अप्लाइड, क्लियर। जब आप ईएमएफ नहीं अप्लाई किए थे तो क्या कंडीशन बना था, मैंने आपको बताया था, अगर आप ईएमएफ नहीं अप्लाई कर रहे हो, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूं मैं, when EMF is not applied, तो क्या होता है, जब आप EMF apply नहीं करते हो तो ये जो रहते हैं ये discipline में नहीं रहते। कौन discipline में नहीं रहते, ये वायर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारा वायर है, अब वायर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये discipline में नहीं होंगे, ये इलेक्ट्रॉन कोई भी रैंडम डायरेक्शन में जाते हैं, ये कोई भी रैंडम डायरेक्शन में जाएंगे, और इसीलिए इस सिस्टम का जो करंट होगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो, लेकिन इस सिस्टम का करंट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो ये बात हम लोगों को समझना था, एक्चुअली करंट क्या है, करंट है इलेक्ट्रॉन का फ्लो। कब करंट आएगा, आंसर है जब आपके पास कंडक्टर होगा, क्योंकि कंडक्टर में ही फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन को आपको एक डिसिप्लिन में लाना होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन इनडिसिप्लिन में होते हैं तो करंट नहीं मिलता है। तो देखो लाइफ में भी यही बात चलती है, अगर आप डिसिप्लिन में नहीं, आप पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो, घूम रहे हो, टाइम को वेस्ट कर रहे हो, रील्स देख रहे हो, अरे ये वाली रील्स एक मस्त मजा आ गया, अगली रील्स देखते हैं, अगली रील्स, तो आप रैंडम हो, आपके पास कोई दिशा नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं, रैंडम हो, कोई रिजल्ट नहीं मिलता, देखो करंट जीरो है। जब डिसिप्लिन में आए सारे इलेक्ट्रॉन, अच्छा डिसिप्लिन में आते कैसे, डिसिप्लिन में आने के लिए थोड़ा सा फोर्स आप अपने ऊपर लेना पड़ेगा आपको। देखो फोर्स लगाया मैंने, सारे डिसिप्लिन में आ गए, अब देखो करंट जीरो नहीं है, कुछ तो करंट मिलेगा, कुछ तो रिजल्ट मिलेगा, आप आने की कोशिश तो करो डिसिप्लिन में, जैसे आप डिसिप्लिन में आओगे आपको रिजल्ट दिखने लगे, और वो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट होगा, करंट मिल रहा है, बहुत काम होगा करंट से। तो देखो ये फिजिक्स आपको लाइफ के बारे में बताता है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आई होप कि सब लोगों को इंट्रोडक्शन समझ में आया, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करना है, हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।